प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास की फर्स्ट बुक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडिगो को पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं लुईस फिशर, जो एक फेमस अमेरिकी जर्नलिस्ट थे। ये 1942 में इंडिया आए थे गांधी जी से मिलने उनके सेवाग्राम आश्रम में, और ये जून के महीने में एक वीक तक गांधी जी के साथ रहे थे। और पर डे गांधी जी ने इनको एक घंटे का टाइम दिया था। उस टाइम में इन्होंने गांधी जी से उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें की थी। उन सभी बातों को, उन सभी घटनाओं को लुईस फिशर ने एक फेमस बुक जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में कलेक्ट किया, और वो बुक बहुत फेमस हुई। हमारा जो चैप्टर है इंडिगो, उसी बुक में से लिया गया चैप्टर है जो गांधी जी के जीवन की 1917 की एक घटना का जिक्र करता है, जब गांधी जी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गए थे, वहां के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स यानी नील की खेती करने वाले किसानों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि चंपारण में अंग्रेज जमींदारों और भारतीय किसानों के बीच में एक विवाद था। अब वो विवाद क्या था, ये हम लेसन की जब स्टोरी कराएंगे तब उसको देखेंगे। तो चलिए बच्चों, इस लेसन की समरी शुरू करते हैं। बात है दिसंबर 1916 की, जब गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। वहां पर उनसे बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ एक अनपढ़ किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिला। उसका मिलने का कारण था बिहार के चंपारण में अंग्रेज जमींदारों द्वारा भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा था, उनके बीच एक विवाद था। तो विवाद क्या था ये हम आपको थोड़ा सा और आगे बताएंगे, आप वेट करो। तो गांधी जी को कानपुर जाना था तथा देश के अन्य भागों में भी जाना था, तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला को समय नहीं दे पाए। बट राजकुमार शुक्ला भी एक बहुत ही जिद्दी आदमी था। जहां जहां गांधी जी गए उसने गांधी जी का पीछा किया, यानी गांधी जी से वहां जाकर वो मिला। तो उसकी टेनेसिटी यानी उसकी दृढ़ता देखकर, उसकी लगन देखकर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने राजकुमार शुक्ला को एक तारीख दी कि फला फला तारीख को वो कलकत्ता आएंगे, वहां पर वो आए और गांधी जी को साथ लेवा ले जाए। तो जो डेट गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को दी थी, उसी डेट को गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और राजकुमार शुक्ला को उस स्थान पर बैठे हुए पाया जो स्थान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया था। वहां से दोनों ट्रेन से पटना पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय एक नामी वकील थे। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो उनके घर जब ये पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे, उनके सिर्फ नौकर थे। तो नौकर राजकुमार शुक्ला को पहले से जानते थे क्योंकि वो अक्सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला करता था। अतः उन्होंने राजकुमार शुक्ला तथा गांधी जी को घर पर ठहरने तो दिया, बट गांधी जी को कुएं से पानी भरने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इनके साथ ये कोई किसान हो और अनटचेबल हो, यानी अछूत हो, किसी लोअर कास्ट का हो। उस समय इंडिया में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत भेदभाव बहुत अधिक मात्रा में था। अगली सुबह गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर उनके पुराने साथी प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने अपने स्टूडेंट्स के साथ रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का जोरदार स्वागत किया तथा अपने एक मित्र मलकानी, जो भी एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, के घर गांधी जी को ठहराया। उन दिनों में गांधी जी का एक टीचर के घर पर ठहरना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी स्वतंत्रता सेनानियों को अपने घर पर ठहराने से या उनकी मदद करने से बहुत डरा करते थे, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार के अधीन काम करते थे। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे तो चंपारण के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। हजारों किसान अपने चैंपियन, अपने हीरो को देखने के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि कोई तो आया जो इस मुसीबत में उनका साथ देगा। वहां गांधी जी ने वहां के लोकल वकीलों से उन केसेस की जानकारी ली जो अंग्रेज जमींदारों तथा भारतीय किसानों के बीच चल रहे थे, तथा उस फीस की जानकारी भी ली जो वकील भारतीय किसानों से वसूलते थे। साथ में वकीलों को फटकार लगाई कि आप इन गरीब किसानों से इतनी बड़ी मात्रा में फीस लेते हो। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अंग्रेज जमींदारों और भारतीय किसानों के बीच में विवाद क्या था। दरअसल बहुत पहले तो सारी जमीन भारतीय किसानों की ही थी, पर चूंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से वो जमीन हथिया ली, यानी अपने नाम कर ली। अब भारतीय किसान उस जमीन पर मजदूरी के रूप में काम करते थे, इसलिए वो शेयर क्रॉपर्स कहलाते थे, अर्थात उस जमीन पर खेती वो करेंगे और किराए के रूप में अंग्रेज जमींदारों को कुछ हिस्सा देंगे। एक पुराने समझौते के तहत एक सिस्टम चला आ रहा था कि कुल जमीन के 15% भाग पर भारतीय किसानों को इंडिगो यानी नील की फसल उगानी पड़ेगी, नील की खेती करनी पड़ेगी, जो कि उस समय
एक प्रमुख कमर्शियल क्रॉप थी, व्यावसायिक फसल थी, यानी महंगी फसल थी, और वो 15% भाग पर उगाई गई नील पूरी की पूरी अंग्रेज जमींदारों को किराए के रूप में देनी पड़ेगी। इसी बीच बच्चों क्या हुआ, अंग्रेज जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया है, यानी नील को जो कि खेतों में उगाई जाती है अब एक फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। तो उन्हें यह भी पता चल गया कि अब इसकी कीमतें बहुत गिर जाएंगी, तो उन्होंने भारतीय किसानों से कहा कि हम वो पुराना समझौता रद्द करते हैं कि आप हमें नील दोगे, अब हम उसके बदले में आपसे पैसा लेंगे किराए के रूप में। तो बहुत से भारतीय किसानों ने खुशी खुशी उस नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और अंग्रेज जमींदारों को पैसा दे दिया। बट बच्चों, जब बाद में भारतीय किसानों को पता चला कि अब जर्मनी में कृत्रिम नील बनने लगी है, तो नील की कीमतें तो बिल्कुल डाउन हो जाएंगी, तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ सा पाया, तो उन्हें लगा कि उनके साथ तो धोखा हो गया, तो वो उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे थे। बस यही उनमें विवाद था। इसी बिंदु पर, इसी बात पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। तो बच्चों, वहां जाकर गांधी जी सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले और इस मामले की पूरी जानकारी मांगी। उस सेक्रेटरी ने यह कहकर जानकारी देने से मना कर दिया कि आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी एक भारतीय हूं। इसके बाद गांधी जी तिरुवत डिवीजन के, तिरुवत डिवीजन जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है, के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले और इस मामले की पूरी जानकारी मांगी। लेकिन उस कमिश्नर ने भी गांधी जी को धमकाया और चंपारण छोड़कर चले जाने को कहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गांधी एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति है, ये नहीं जाने वाले। तो बच्चों, गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा, वो चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए, जहां पर उन्होंने वकीलों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तभी गांधी जी को पता चला कि पास के गांव में किसान के साथ अन्याय हुआ है, मारपीट हुई है। तो गांधी जी उस किसान से मिलने के लिए हाथी पर बैठकर उससे मिलने जा रहे थे, तभी गांधी जी को पुलिस ने रोका और एक सरकारी आदेश दिखाया कि मजिस्ट्रेट का आदेश है, आप नहीं जा सकते हो और साथ में आपको अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ना पड़ेगा। बट गांधी जी ने यह कहकर उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया कि मैं इन भारतीय किसानों की मदद करने आया हूं और मैं इनकी मदद किए बिना नहीं जाऊंगा, मैं कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता हूं। अगले दिन गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। तो जब गांधी जी कोर्ट में पेश हुए, तो आसपास के गांवों से हजारों किसान गांधी जी की मदद करने के लिए कोर्ट के सामने पहुंच गए। गांधी जी ने उन किसानों से शांत रहने की अपील की। मजिस्ट्रेट और कोर्ट पूरा घबरा गया कि अगर हम गांधी जी के विपक्ष में फैसला देते हैं तो यहां पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और गांधी जी को बिना किसी सजा के ही, बिना किसी जमानत के ही रिहा कर दिया गया। तो गांधी जी बताते हैं कि एक गुलाम भारत में सिविल डिसओबीडियंस, सबने अवज्ञा की, ये पहली जीत थी और किसानों को भी पहली बार एहसास हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। तभी गांधी जी ने बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक आदि नामी वकीलों को भी बुलवा लिया तथा एक विस्तृत रणनीति तैयार की। हजारों किसानों के लिखित दस्तावेज जुटाए गए, लिखित बयान लिए गए। अंग्रेज सरकार घबरा गई कि अब क्या होगा, और तब गांधी जी को उस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने मिलने के लिए बुलाया और एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया, एक जांच आयोग बिठा दिया इस मामले के लिए। उसमें भारतीय किसानों की तरफ से गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और अंग्रेज जमींदारों से भारतीय किसानों को उनका पैसा लौटाने के लिए कहा, जो उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से उनसे हथिया लिया था। गांधी जी ने 50% रिफंड मांगा, यानी जो भी पैसा अंग्रेज जमींदारों ने हथियाया था उसका 50% मांगा, लेकिन अंग्रेज जमींदारों ने कहा हम 25% देंगे और गांधी जी एग्री हो गए, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि धन राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस बात का है कि अंग्रेज जमींदारों की प्रतिष्ठा सरेंडर हुई है, यानी उनका जो एक घमंड है कि हम कुछ भी कर सकते हैं वो नीचा हुआ है और कम से कम भारतीय किसानों की पहली बार जीत हुई है कि ये अंग्रेज जमींदार उनको पैसा वापस लौटा रहे हैं। बच्चों, इस तरह से चंपारण में इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गांधी जी ने किया। ये घटना गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसकी वजह से पहली बार अंग्रेज सरकार भारतीय किसानों के सामने, गांधी जी के सामने झुकी थी और भारतीय किसान ने भी देखा कि उसके पास राइट्स हैं, अधिकार हैं तथा डिफेंडर्स
रक्षक भी है। और बच्चों इस समझौते के कुछ वर्ष बाद ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने अंग्रेज जमींदारों ने भारतीय किसानों को उनकी जमीन भी वापस लौटा दी थी, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी वहां पर कई महीनों तक रुके रहे। यहां पर हमारे गांधी जी का एक अलग ही रूप हमारे सामने आता है कि वो किस तरह से अन्य राजनेताओं से अन्य नेताओं से अलग तरह से काम करना पसंद करते थे। तो उस इस चैप्टर में एक लाइन आई है कि गांधी जी कभी भी बड़े बड़े राजनीतिक आर्थिक समझौतों से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। यानी कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि ये जो 25% पैसा इनको मिला है इससे इनकी लाइफ नहीं चलने वाली। बच्चों गांधी जी चंपारण जिस काम के लिए गए थे वो समझौता हो चुका था। गांधी जी चाहते तो वापस अपने आश्रम में आ सकते थे, बट जब गांधी जी ने चंपारण के गांव में बैकवर्डनेस देखी, पिछड़ापन देखा, गरीबी देखी, अशिक्षा देखी, तो उन्होंने कुछ रियल सॉल्यूशन करने के बारे में सोचा, क्योंकि 25% पैसा मिलना रियल सॉल्यूशन नहीं था। तो उन्होंने अपने आश्रम से कुछ टीचर्स जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारीख, अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, अपने पुत्र देवदास गांधी तथा अन्य कई लोगों को वहां बुलवाया और वहां 6 स्कूल खुलवाए तथा इन आश्रम से आए लोगों को पढ़ाने के काम में लगा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी से कहा कि वो महिलाओं के पास जाए और उनको क्लीनलाइननेस यानी स्वच्छता का पाठ पढ़ाए, साफ सुथरा रहना सिखाए। उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को हायर्ड किया। और बच्चों उस जमाने में सिर्फ 3 दवाई हुआ करती थी, कास्टर ऑयल अरंडी का तेल, कुनैन की गोली और सल्फर ऑइंटमेंट गंधक का लेप। तो जो भी कोई व्यक्ति अपनी जीभ, गांधी जी कहते जीभ दिखाओ, जीभ गंदी होती उसको कास्टर ऑयल अरंडी का तेल पिला दिया जाता, जिसको कोई घाव फोड़ा फुंसी होता उसको सल्फर ऑइंटमेंट दे दिया जाता, जिसको बुखार आदि होता उसको कुनैन की गोली दे दी जाती। तो इस तरह से बच्चों गांधी जी ने उनके आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को, बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए वहां पर कई महीनों तक रहकर काम किया। गांधी जी का काम करने का तरीका ये था, वो बिल्कुल रूट से जाके काम करते थे। तो जब उन्होंने लोगों को स्वच्छता का, शिक्षा का पाठ पढ़ाया, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। तो गांधी जी का सोचने का, काम करने का तरीका ये था। तो बच्चों वैसे तो इसकी समरी, इसकी स्टोरी समाप्त हो गई, बट इसमें एक लास्ट में एक किस्सा और आता है। जिस समय गांधी जी भारतीय किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनसे मिलने के लिए उनका एक परम शिष्य जो एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो गांधी जी से मिलने के लिए भारत में आया। तो बिहार से आए वकीलों ने, जैसे राजेंद्र प्रसाद आदि ने, गांधी जी से कहा क्यों ना इस बात का लाभ लिया जाए, एक अंग्रेज यह आपका शिष्य है, आपका परम भक्त है, तो इस लड़ाई में हम इसको अपनी तरफ शामिल कर लेते हैं, इससे अंग्रेजों पर एक गलत मैसेज जाएगा कि अंग्रेज भी गांधी जी के साथ है या भारतीय किसानों के साथ है। बट ध्यान रखना, गांधी जी ने उन वकीलों से बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ऐसा करके हम अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे, अपने आप को कमजोर नहीं दिखाएंगे, ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। और उन्होंने अपने उस शिष्य चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की कोई सहायता इस मामले में नहीं ली। बच्चों इसकी समरी का निष्कर्ष 2 बातों में है कि किस तरह गांधी जी ने बिना किसी वॉयलेंस के, हिंसा के, सबने अवज्ञा सिविल डिसओबिएंस का प्रयोग करते हुए, सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए भारतीय किसानों की लड़ाई जीती। और दूसरी बात थी भारतीय किसानों किस तरह से सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, सबक सिखाया, वहां पर स्कूल खोले, उनको स्वच्छता का महत्व बताया। तो ये सारे काम गांधी जी ने किए। तो बच्चों ये तो हुई इसकी समरी, अब हम देखते हैं इसके सबसे मोस्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजुलेट, राजकुमार शुक्ला को एक दृढ़ निश्चय होना क्यों बताया गया है। बच्चों यहाँ ध्यान देना, हमारी स्टोरी पास्ट में थी लेकिन क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है, तो हमको आंसर भी प्रेजेंट में ही देना चाहिए। आंसर है, राजकुमार शुक्ला कम्स टू मीट गांधी इन रेफरेंस ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण से इंडिगो शेयर क्रॉपर्स यानी नील की खेती करने वाले किसानों के रेफरेंस यानी संदर्भ में गांधी जी से मिलने के लिए आता है। शुक्ला फॉलोज गांधी एवरीवेयर, शुक्ला गांधी जी का हर जगह पीछा करता है। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। टिल गांधी आस्क्स हिम टू मीट एट कलकत्ता, जब तक कि गांधी जी ने उससे कलकत्ता आकर मिलने को नहीं कहा। सो शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजुलेट, इसलिए शुक्ला को एक दृढ़ निश्चय होना बताया गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट, तुम क्यों सोचते हो कि नौकरों ने गांधी को दूसरा किसान समझा था। बच्चों देखने में क्वेश्चन प्रेजेंट में लग रहा है, बट इसका उत्तर हमको पास्ट में देना है, क्योंकि नौकरों ने जो सोचा था वो पास्ट में सोचा था। तो आंसर है, शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, शुक्ला गांधी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गया था।
द सर्वेंट्स ऑलरेडी न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन. नौकर शुक्ला को पहले से ही गरीब किसान के रूप में जानते थे. गांधी वाज आल्सो विद हिम. गांधी भी उनके साथ थे. सो वी थिंक, इसलिए हम सोचते हैं, दैट द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट. इसलिए हम सोचते हैं कि नौकरों ने गांधी जी को दूसरा किसान समझा था. बच्चों क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर हैं, और अगर तीनों को मिला दिया जाए तो एक बड़ा बनता है. और सबसे खास बात कि ये सारे क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं. आप ध्यान देना, सभी में डिड का यूज हुआ है, पास्ट टेंस है, तो आपको आंसर भी पास्ट में ही देने हैं. पहला है छोटा, व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट. तो किसान ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में क्या देते थे? तो आपको पता है कि 15% भाग पर उगाई गई नील की फसल. नेक्स्ट है, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई. अब ब्रिटिश उसके बदले में, उसके बजाय क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे? तो बच्चों उसके बदले में वो रुपया चाहते थे. क्यों? क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंट कर लिया था. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो. तो कृत्रिम नील का प्राकृतिक नील की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों उसकी कीमतें गिर जाएंगी. तो इन तीनों क्वेश्चंस को अगर एक मिला दिया जाए तो ये हो सकता है, व्हाट डिस्प्यूट वाज बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड पीसेंट्स. तो ब्रिटिश जमींदारों और किसानों के बीच में क्या डिस्प्यूट था, क्या विवाद था? तो अब इसका आंसर देखते हैं हम. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक पुराने समझौते के अनुसार, द पीसेंट्स हैड टू प्लांट इंडिगो क्रॉप ऑन 15% पार्ट ऑफ देयर लैंड. तो किसानों को जमीन के 15% भाग पर नील की फसल बोनी पड़ती थी. एंड हैड टू पे इट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट. और ये सारी की सारी ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में देनी होती थी. तो बच्चों ये सबसे पहले वाले का आंसर हो गया कि अंग्रेज जमींदार किसानों से किराए के रूप में क्या लेते थे. अब नेक्स्ट देखते हैं, नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब जर्मनी ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया था. सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट. इसलिए अब ब्रिटिश जमींदार 15% के समझौते से मुक्त होने के लिए एज कंपेंसेशन हर्जाने के रूप में धन चाहते थे, रुपया चाहते थे. ये दूसरे वाले का आंसर हो गया कि वो अब क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे. और तीसरे का है, द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो. तो कृत्रिम नील के कारण प्राकृतिक नील की कीमतें डाउन हो जाएंगी. ये तीसरे वाले का आंसर है. इन सबको मिला दिया जाए तो आंसर उसका बनता है कि अंग्रेज जमींदारों और किसानों के बीच में क्या विवाद था. और पूरा पूरा आंसर पास्ट में है क्योंकि क्वेश्चन भी पास्ट में पूछा गया था. इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है. व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर. गांधी जी किसानों को 25% राशि रिफंड करने के समझौते पर क्यों एग्री हो गए, क्यों सहमत हो गए? बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन पास्ट में पूछा है क्योंकि इसमें डेड आ रहा है, तो आंसर भी पास्ट में ही देना है. ये बात मैं अक्सर क्यों कहता हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको घुमाने के लिए टेंस को बदल के पूछ सकता है, तो आप जिस टेंस में उसको याद करते हो उसी में लिख देते हो, आपके मार्क्स कट जाते हैं. इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा. फिलहाल आप इसका आंसर देखिए. फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट. गांधी जी के लिए रिफंड की राशि बहुत कम महत्व रखती थी. देन द फैक्ट बजाय इस बात के दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू. तो इसका मतलब है कि वो अपने धन के कुछ हिस्से के साथ अपनी प्रतिष्ठा को भी लौटाने को मजबूर हो गए थे. अर्थात धन तो चला गया लेकिन उनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई थी. सो ही एग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर. इसलिए वो किसानों को 25% रिफंड करने के समझौते पर सहमत हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट. एपिसोड यानी इस घटना ने किसानों की स्थिति को कैसे चेंज किया, कैसे बदला. प्लाइट का अर्थ होता है हालत या दशा, और पीसेंट्स का अर्थ आप जानते हो किसान. तो इसका आंसर है, द पीसेंट्स वर सेव्ड. किसानों को बचाया गया था फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ होता है शोषण से, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. तो किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया गया था. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद, द ब्रिटिश प्लांटर्स यानी जमींदारों ने गेव अप कंट्रोल ऑफ देयर ईस्टेट्स. अपनी जागीरों पर नियंत्रण खो दिया या छोड़ दिया. दीज नाउ रिवर्टेड टू द पीसेंट्स. दीज यानी ये जागीरें, ये ईस्टेट्स, नाउ रिवर्टेड अब लौटा दी गई टू द पीसेंट्स किसानों को. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. तो नील की जो शेयर क्रॉपिंग थी, जो बटाईदारी का काम था, डिसअपियर्ड, वो समाप्त हो चुका था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ने चंपारण की घटना को अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ क्यों समझा? तो बच्चों अगर गौर से देखें तो आपको एक क्वेश्चन प्रेजेंट में लग रहा होगा, बट एक क्वेश्चन प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। वो हमसे पूछ रहा है कि तुम क्यों सोचते हो कि गांधी जी ने क्यों समझा था। तो जो गांधी जी ने समझा था वो चीज़ पास्ट में आएगी, हम जो सोचते हैं वो प्रेजेंट में, वो हम लाइन लास्ट में एक लाइन डाल देंगे कि हम ऐसा सोचते हैं प्रेजेंट वाली। तो आंसर देखिए, द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द सफरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट्स। तो चंपारण की घटना की शुरुआत बड़ी संख्या में गरीब किसानों की पीड़ाओं को दूर करने, हल करने के प्रयास के रूप में शुरू हुई थी। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसे हजारों लोगों का स्वाभाविक सहारा मिला, साथ मिला। स्पॉन्टेनियस का अर्थ होता है स्वाभाविक। गांधी एडमिटेड दैट वाट ही हैड डन वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। गांधी जी ने स्वीकार किया था कि जो कुछ उन्होंने किया था बहुत ही साधारण सी बात थी। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषित कर दिया था दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री, कि ब्रिटिश लोग उसे उसी के देश में आदेश नहीं दे सकते थे। हैंस, इसलिए वी थिंक, हम सोचते हैं गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ने चंपारण की घटना को अपने जीवन में एक निर्णायक बिंदु माना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकलिटीज टुवार्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। होम रूल यानी स्व शासन के एडवोकेट्स, यानी पक्षधरों, यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के प्रति स्मॉलर लोकलिटीज, छोटे क्षेत्रों में, छोटे स्थानों पर एवरेज इंडियन, सामान्य भारतीयों का क्या एटीट्यूड था, क्या दृष्टिकोण था? तो आंसर है, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकलिटीज वर अफ्रेड। छोटे स्थानों पर सामान्य भारतीय डरते थे टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, स्व शासन के पक्षधरों के प्रति। गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 डेज। गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन रुके, एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, मलकानी के घर पर। ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये एक असाधारण बात थी इन 2 डेज, उन दिनों में, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू गिव शेल्टर, कि एक सरकारी प्रोफेसर शरण दे टू वन हु अपोज्ड द गवर्नमेंट, उसके लिए जो सरकार का विरोध करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम कैसे जानते हैं कि साधारण लोगों ने भी आज़ादी के आंदोलन में कंट्रीब्यूट किया था, सहयोग दिया था? तो आंसर है, प्रोफेसर जे बी कृपलानी रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट। तो प्रोफेसर जे बी कृपलानी ने आधी रात को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत किया था, उनको रिसीव किया था। ही हैड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट विद हिम, उसके साथ बड़ी संख्या में छात्र थे। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फुट, चंपारण के किसान पैदल आए एंड बाई कन्वेंस, और अपने वाहनों से आए टू सी गांधी, गांधी को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लायर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, मुजफ्फरपुर के वकील भी उनसे मिले। ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक विशाल मल्टीट्यूड भीड़ ने ग्रीटेड गांधी, गांधी जी का स्वागत किया। वैन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जब वह मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम, हजारों की संख्या में लोगों ने कोर्ट रूम, न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया, डेमोन्स्ट्रेटेड प्रदर्शन किया। दिस शोज दैट ऑर्डनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये चीज़ें, ये उदाहरण बताते हैं कि साधारण लोगों ने भी भारत में आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड गांधी डू फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ पीसेंट्स इन चंपारण विलेजेज। गांधी जी ने चंपारण के गांवों में गरीब किसानों के परिवारों के सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सुधार के लिए क्या काम किए? तो इसका आंसर है बच्चों, फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट इन चंपारण विलेजेज गांधी डिड द फॉलोइंग एफर्ट्स। गांधी जी ने चंपारण के गांवों में सामाजिक सुधारों के लिए निम्नलिखित काम किए। फर्स्ट, ही कॉल्ड महादेव देसाई, नरहरी पारी, कस्तूरबा गांधी एंड देवदास गांधी फ्रॉम आश्रम। उसने आश्रम से महादेव देसाई, नरहरी पारी, कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी को बुलवाया। ही ओपन्ड 6 स्कूल्स इन विलेजेस टू एजुकेट पीपल। उसने लोगों को शिक्षित करने के लिए गांव में 6 स्कूल खुलवाए। कस्तूरबा गांधी टॉट द वुमेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलाइनेस। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। ही हायर्ड सम डॉक्टर्स टू गिव ट्रीटमेंट पीपल। उसने लोगों का उपचार करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को हायर्ड किया।
तो बच्चों ये था इंडिगो लेसन, उसकी समरी, उसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, बेल आइकन में ऑल वाला, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, अलविदा।